राहुल तुम्हारे प्याज के बोरे और अखिलेश तुम्हारे टमाटर के बोरों में बहुत वजन है। मेरी मोटरसाइकिल गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है। मोदी जी बातों में वक्त जाया मत करो, जल्द से जल्द मेरे प्याज के बोरे और अखिलेश के टमाटर के बोरों को शहर की सब्जी मंडी में पहुंचा दो, नहीं तो हम लोग अगर देर से पहुंचे तो सारे के सारे व्यापारी जो टमाटर और प्याज खरीदना चाहते होंगे वो सारे व्यापारी भाग जाएंगे। मोदी जी जल्दी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी चलाओ। राहुल भैया सही कह रहे हैं, अगर देर से पहुंचे हम लोग सब्जी मंडी में शहर में तो मेरे टमाटर और राहुल भैया की प्याज नहीं बिक पाएगी। राहुल भैया की प्याज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरे टमाटर नहीं बिक पाए तो सड़ जाएंगे। अखिलेश तुम्हारे टमाटर सड़ने नहीं दूंगा मैं, देख नहीं रहे हो कितनी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहा हूँ। मोदी जी अगर देर से पहुंचाओगे प्याज और टमाटर सब्जी मंडी में तो हम भाड़ा भी नहीं देंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी बहुत अच्छे तरबूज और टमाटर लेकर बैठे हो बेचने के लिए, टमाटर क्या रेट बेच रहे हो? राहुल इंस्पेक्टर जी टमाटर 50 रुपए किलो। और मोदी जी तरबूज क्या रेट बेच रहे हो, तरबूज का दाम बताना जरा। नीतीश कुमार जी 50 रुपए का एक तरबूज बेच रहा हूँ, कोई सा भी उठा के खरीद के ले जाओ, अंदर बिल्कुल पका हुआ लाल निकलेगा। लेकिन मोदी जी अपने गाँव के दूसरे वाले चौराहे पर केजरीवाल जी तो 25 रुपए का एक तरबूज बेच रहे हैं, आप तरबूज महंगा क्यों बेच रहे हो? और मोदी जी वो टमाटर भी बेच रहे हैं, टमाटर 10 रुपए किलो बेच रहे हो, आप 50 रुपए किलो बता रहे हो? भाई मेरे टमाटर और तरबूज अच्छे हैं, इनके मैंने इसीलिए दाम बढ़ा दिए, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी आप इस तरीके से दाम बढ़ाकर तरबूज के और टमाटर के नहीं बेच सकते। देखो इंस्पेक्टर राहुल जी और नीतीश कुमार जी, ये मुझे तो मत सिखाओ, मैं जिस दाम में भी अपने टमाटर को और तरबूज को बेचूं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें खरीदना है खरीदो, नहीं तो जाओ। और भाई लोगों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।